हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे मिक्स दाल से एक नई और एक अलग सी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल लेंगे। मैंने एक कप दाल लिया है। ये मेरे पास जितने भी दाल थे मैंने सबको मिक्स कर लिया। आपके पास भी जितने घर के दाल हो या बाहर से खरीद के लाए, सारे दाल को आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए पानी में डिप करके छोड़ दीजिए। 10 मिनट बाद इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद हम इसे एक कुकर में डालेंगे, उसमें डालेंगे हम पानी। एक कप दाल में हमने 3 से 4 कप पानी ऐड किया है मैंने। उसमें हल्दी पाउडर, नमक डाल देंगे या घर में जितने भी सब्जियाँ हैं सबको कट करके बड़े बड़े क्यूब में उसमें डाल दीजिए। 5 से 6 सीटी आने तक इसे बॉईल कर दीजिए। दूसरी तरफ हम तड़का रेडी करेंगे। तड़का में मैंने ऐड किया है 1 चम्मच तेल, मैंने ऐड किया है। इसमें डाला है जीरा, सरसों, उसके बाद तेज़पत्ता, जितने भी खड़े मसाले हैं वो सब ऐड कर दीजिए आप। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग वगैरह सब ऐड कर दीजिए। करी पत्ता डाली हूँ मैं, लहसुन डाली हूँ, मिक्स गार्लिक डाली हूँ कट करके। उसके बाद लाल मिर्च ऐड किया है मैंने, हरी मिर्च डाल दिया है मैंने। उसके बाद ऐड की हूँ मैं प्याज, मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, आप अपने क्वान्टिटी के अनुसार लीजिए। उसके बाद हम डालेंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, सांभर मसाला पाउडर अगर है तो वो भी ऐड कर दीजिए इसमें। उसके बाद हम इसे अच्छे से पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद ऐड करेंगे हम टमाटर, मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। उसको भी अच्छे से हम भूनेंगे, ये तब तक मसाले को भूनेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, और बीच बीच में हम ढकेंगे भी और चलाते हुए पकाएंगे भी। उसके बाद जब अच्छे से मसाले भून जाएंगे उसके बाद हम ऐड कर देंगे अपने बॉयल किए हुए दाल और सब्जियाँ। इसमें डाल के उसको अच्छे से हम कुक करेंगे, ढक देंगे। अगर आपको थिकनेस आप अपने अनुसार रखिए, आप कितना थिकनेस रखना चाहते हैं, अगर पानी और ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम चला के इसको ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए। इसे पकाएंगे हम मीडियम फ्लेम पे। 1-2 मिनट बाद हम फिर से ढक्कन को हटाएंगे। उसके बाद हम अच्छे से चलाएंगे। इसमें डाल देंगे हम धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद हमारा 1-2 सेकेंड के लिए हम रखेंगे इसे गैस पे। उसके बाद हमारा रेडी हो जाएगा दाल, और नमक आप इसी समय टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दाल और सब्जियों के साथ ये हमारा एक अलग सा रेसिपी बनके रेडी है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।